कभी लगता है लहर है समंदर की, कभी तालाब के पानी सा रुकता है, अनंत बंजर जमीन सा दिखता है कभी, तो कभी आंगन के फूल सा सुनहरा लगता है। कभी दिन के हालात आधी रात को बयां करता है, कभी सुबह सुबह दिन भर के चिंता में लगा रहता है, कभी खिलखिला उठता है और कभी गुस्से में रोता है, कभी घबराता है कल के लिए, कभी नफरत में खुद को बोता है, कभी प्यार के फव्वारे फूट पड़ते हैं इससे, तो कभी खाली डिब्बे सा होता है इन दिनों मन मेरा। पता नहीं क्या सोचूं मैं, अपने से इस हद तक संतुष्ट हूँ कि बुरी खबरें भी अभी साधारण सी लगती हैं। अपनों से जो शिकायत है वो बातों में फूट पड़ती है, और कभी अपनों के सन्नाटों में घबराहट सी टूट पड़ती है। घर थोड़ा सूना सा है, सब साथ है पर अकेले से लगते हैं। कभी बातें होती है पूरी दुनिया की, और कभी चुप्पी में खाना हजम करते हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वजह नंबर एक, सबसे पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीन। भारत ने अमेरिका से पहले ही विदेश से लौटने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी। 22 जनवरी के करीब ही कोरोना वायरस को लेकर एयरपोर्ट पर स्क्रीन। मतलब क्लाउडी हो गया है, अब पानी बदल देते हैं। मैं आलू निकाल कर दूसरे पतीले में डाल देता हूँ, इसमें मैंने फ्रेश पानी रख के रखा है। अब फिर से वही स्टेप करेंगे, अच्छी तरह इसको है ना मिक्स करेंगे, ताकि जो भी है ना मांड है वो निकल जाए, बाहर की मांड, मतलब जो आलू के सरफेस में जो मांड रहती है ना, सरफेस स्टार्च, वो निकाल देंगे। फिर से आपको अभी लग रहा होगा कि ये ना क्लाउडी तो नहीं हुआ, तुम सब सारा निकल गया। मौसम है शांति का,
एक कहर सा छाया है इस दौड़ते शहर को आज ठहरता पाया है। क्या जाने कौन कब रुकेगा ये कहर। कई दिन बीत गए पर लगता है जैसे गुजरी है सिर्फ एक पल की लहर। मेरा मन और ये मौसम अब बीतते पल के खबर से है, शायद कल ही सुलझ जाए या शायद इसी उलझन में महीनों निकल जाए।